Myself Dr. Harpreet, and I have done my MBBS from GMC Amritsar, and I am currently preparing for my MD exam. My success mantra was good guidance, determination and hard work. Hard work or success ka koi shortcut nahi hota hai. You will have to work hard to get what you want. Koi shortcut, कोई रट्टाबाजी नहीं चलेगी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फोकस. आज के ज़माने में जहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, हमें सर्व करना चाहिए व्हाट इज़ यूजफुल टू अस. सो बी फोकस्ड एंड वर्क हार्ड. पहले हो गई अप्रोच की बात कि हाउ यू हैव टू अप्रोच टू योर गोल, व्हाट माइंडसेट यू शुड हैव व्हाइल स्टडिंग. और अब करते हैं पढ़ाई की बात. वी ऑल हैव 3 सब्जेक्ट्स, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. और सबको पता है फिजिक्स हमारी सबकी वीक होती है थोड़ी. सो वर्क हार्ड ऑन दैट, वर्क मोर ऑन दैट. बायो ठीक है, आती है आपको, बट ट्राई नॉट टू मिस द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, इक्वल इम्पॉर्टेंस दीजिए, इक्वल वेटेज दीजिए तीनों सब्जेक्ट्स को. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप क्वेश्चंस कीजिए. आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, आपको नहीं आएगा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. अभी गलत हो जाए कोई चक्कर नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए. एज आई वॉज टोल्ड ड्यूरिंग माई कोचिंग डेज कि एक डायरी मेनटेन करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की डिफरेंट डायरी हो. रिवाइज दैट डेली, राइट इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन दैट, राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग, एंड रिवाइज दैट थिंग डेली. बिकॉज वो जो आप उसमें लिखोगे, खुद लिखोगे, वो ही आपको याद रहेगा. एंड जस्ट राइट द अल्ट्रा थिंग्स देयर. आई गेव माई नीट एग्जाम इन 2013 एंड फ्रॉम 2011 टू 2013 Pankaj sir was my biology teacher, and during that course I got to learn a lot of things from him. Kaise padhna hai, kaise stress manage karna hai, and lastly just believe in yourself ki aap kar sakte ho, aapne hard work kiya. Just be confident on that. Aur confidence kaise aayega? Confidence padhke, question solve karke, MCQ सॉल्व करके, सही आंसर मार्क करके आएगा. सो रिवाइज योर नोट्स, डू क्वेश्चंस डेली, मेंटेन अ डायरी, रिवाइज योर फॉर्मूलाज, एंड दैट्स ऑल. एंड गुड लक ऑल द एस्पायरिंग डॉक्टर्स टू बी.